आज हम बनाएंगे डार्क चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट चिप्स एंड स्प्रिंकल्स। एंड कैसे जल्दी हम घर पे ये बना सकते हैं मैं वे ऐसे दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट कंपाउंड जो चॉकलेट आता है वो लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी मिल्की बार या ऐसा वाइट चॉकलेट ले सकते हो जो बाज़ार में आसानी से मिलता हो। तो इसको मैंने छोटा छोटा पीसेस में कट कर दिया है, बट अगर आप चाहो तो इतना छोटा नहीं भी कर सकते हो। मैंने एक्चुअली इसको किया है क्योंकि ये बहुत जल्दी आसानी से मेल्ट हो जाता है इसीलिए। एंड इसके बाद मैं सेम क्वांटिटी में डार्क चॉकलेट को भी ऐसे छोटे छोटे पीस कर लूँगी। एंड वो मैंने कर लिया है। एंड इसको भी एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करते हैं। एंड ये जो मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट ये जो मैंने लिया है, आई मीन वाइट चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट जो मैंने लिया है, ये दोनों को मैं मेल्ट करूँगी, बट दोनों को दो अलग प्रोसेस में मेल्ट करूँगी। ठीक है, तो एक को तो मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी एंड दूसरा को मैं करूँगी डबल बॉयलर प्रोसेस में। तो इस डबल बॉयलर प्रोसेस में क्या होता है, एक बर्तन में मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है एंड वो जब उबलना स्टार्ट होता है उसके ऊपर मैंने एक चॉकलेट का बोल रख दिया है। ये डार्क चॉकलेट का बोल है। एंड ये चीज़ ध्यान रखना है कि बर्तन के नीचे पानी नहीं आना चाहिए या तो फिर चॉकलेट में पानी नहीं आना चाहिए। ओनली ये जो वेपर होता है ना, इसे ही ये चॉकलेट मेल्ट हो जाता है। एंड दूसरा चीज़ ये भी है कि आपको एकदम लो फ्लेम में इसको करना है। तो ये बहुत ही आसानी से 2-3 मिनट में ही मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसके बाद मैंने जो दूसरा जो वाइट कंपाउंड लिया था उसको मैंने मेल्ट किया है माइक्रोवेव पे। तो माइक्रोवेव पे मेल्ट करने के लिए जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए एक बार दो उसको, फिर 30 सेकेंड्स के बाद निकाल के एक चम्मच से एक बार जस्ट ऐसे हिला दो एंड फिर अगेन 20-30 सेकेंड्स के लिए आप दे दो। कुल मिला के 50 सेकेंड्स टू 1 मिनट लगता है। तो ये दोनों ही मैंने मेल्ट कर लिया। इसके बाद मैं एक पाइपिंग बैग ले रही हूँ एंड पाइपिंग बैग पे मैं पहले डार्क चॉकलेट जिसको मैंने मेल्ट किया था उसको मैं भर रही हूँ। तो एंड एट द सेम टाइम मैंने एक ट्रे के ऊपर एक बटर पेपर को रख दिया है। तो बटर पेपर अगर नहीं है तो आप आसानी से नॉर्मल पेपर को भी बटर पेपर की तरह यूज़ कर सकते हो। वो भी टिप्स मैंने शेयर किया है इस चैनल पे। तो बटर पेपर के ऊपर आप जिस साइज़ का चॉकलेट चिप्स आपको चाहिए बिल्कुल उसी साइज़ का ड्रॉप्स आप जस्ट ऐसे देते रहना। यानी कि आप चाहो तो थोड़ा सा बड़े भी कर सकते हो, छोटे भी कर सकते हो। एंड उसके बाद स्प्रिंकल बनाने के लिए मैं ऐसे लाइन की तरह पहले दे रही हूँ। ओके, तो सेम प्रोसेस पे मैंने वाइट चॉकलेट्स को भी पाइपिंग बैग में डाल के सेम जैसे डॉट्स की तरह चॉकलेट चिप्स के लिए एंड फिर स्प्रिंकल्स के लिए ऐसे लाइन की तरह मैंने दे दिया है। एंड ये दोनों चीज़ को मैं 15 से 20 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रखूँगी। तो 15 मिनट्स के बाद मैंने पहले जो ये डार्क चॉकलेट का था उसको निकाला एंड उसके बाद आप देख सकते हो ये जो लाइंस की तरह था बहुत इजीली जब सेट हो जाता है ना चॉकलेट तो बहुत इजीली बटर पेपर से ये निकल जाता है। तो इसको मैंने ऐसे निकाल लिया, फिर चाकू के हेल्प से मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस पे कट कर लिया। तो बन गया है ना स्प्रिंकल बहुत आसानी से। एंड ट्रस्ट मी, ये बाज़ार पर जो हरे बहुत सारे कलर्स के स्प्रिंकल्स मिलते हैं जो मेनली शुगर एंड कॉर्नफ्लावर से बने हुए होते हैं, उसका जो टेस्ट होता है इसे ये चॉकलेट पर स्प्रिंकल्स का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना एंड अब आई एम श्योर कि आपको ये बाज़ार से मिला जो मिलता है ना स्प्रिंकल्स उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद ये जो चॉकलेट चिप्स जिसको मैंने बनाया है उसको भी मैं सेम वे में चाकू के हेल्प से ऐसे थोड़ा सा जस्ट टच करने से ये निकल जाता है बहुत आसानी से। तो सेम वे में मैं इसको निकालती हूँ एंड इसको भी मैं एक बोल में ट्रांसफ़र करके रख दूँगी। तो ये बहुत आसान होता है एंड इसके लिए आपको कंपाउंड चॉकलेट ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कोई भी चॉकलेट्स ले सकते हो जो बहुत आसानी से मार्केट पर मिलता है। एनी डार्क चॉकलेट आप ले सकते हो, कोई भी मिल्क चॉकलेट ले सकते हो या कोई भी वाइट चॉकलेट ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो इसके बाद मैंने सेम वे में वाइट चॉकलेट का जो मैंने बनाया था उसको भी सेम वे में मैं चाकू के हेल्प से ही इसे निकाल रही हूँ एंड अगेन मैं छोटे छोटे पीस करके स्प्रिंकल्स के लिए छोटा पीस कर दूँगी
ठीक है। तो एंड यहाँ पे मैं एक टिप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप सोच सकते हो कि कलरफुल स्प्रिंकल्स हम इसे कैसे बनाएं। तो उसके लिए आप ये जो व्हाइट चॉकलेट मैंने लिया है ना, उस पर आप कोई भी फूड कलर जस्ट वन ड्रॉप दे सकते हो। यानी कि अगर आपको रेड स्प्रिंकल्स या रेड चॉकलेट चिप्स चाहिए तो आप व्हाइट चॉकलेट में जस्ट वन ड्रॉप रेड कलर दे सकते हो। तो उसके बाद उसको मिला के अगेन आप सेम प्रोसेस में बना सकते हो। तो कोई भी कलर कप का चाहिए तो उस फूड कलर को यूज़ करके आप इसको इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये जो चॉकलेट चिप्स को भी निकाल लिया एंड इसको भी मैं रख दूँगी। एंड आप देख सकते हो, देख के बिल्कुल देखने में बजर जैसा हो गया है ये, राइट। तो बस इसको हम ऐसे स्टोर करके रख देंगे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में एंड रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो बहुत दिनों तक, काफ़ी महीनों तक ये बहुत अच्छा रहता है। तो आप बताओ कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक शेयर एंड कॉमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय।